दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिस्क ब्रेक के बारे में। सिंगल डिस्क, ड्यूल डिस्क दोनों के बारे में बताऊँगा। ये आप देख रहे हैं अपाचे आरटीआर 180, इसमें ड्यूल डिस्क वाला जो मॉडल है मेरी सर 150, जिसमें सिर्फ सिंगल डिस्क है। तो इन दोनों के बारे में बताऊँगा, दोनों में क्या फ़र्क है। मतलब कि फ़र्क तो साफ है, ड्यूल डिस्क होता है, सिंगल डिस्क होता है, लेकिन चलो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे बात करते हैं आपको ड्यूल डिस्क काम कैसे करता है उसके बारे में समझाता हूँ। मतलब कि ये डिस्क ब्रेक है ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझाता हूँ। आप ये देखेंगे आगे के जो मतलब कि नॉर्मल, अगर आपको सबसे पहले जो एंट्री लेवल में वो चाहिए डिस्क ब्रेक, तो आपको आगे के टायर में मिलेंगे, क्योंकि जो आगे के टायर की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि ये ब्रेक लगाने में ज़्यादा काम आते हैं। मतलब कि अगर आगे के ब्रेक में और पीछे के एफिशिएंसी अगर बराबर कर देंगे ना, तो बाइक अनकंट्रोल हो जाएगी ब्रेक लगाते टाइम पे। तो बात करते हैं, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ये आपको जो है ये चीज़ आपको पूरा डिस्क ब्रेक के लिए दिया हुआ है। यहाँ से देखिए वायर निकल रहा है, टूप में दिख रहा हो, ये देखिए वायर निकल रहा है, ये यहाँ पर जाकर ये देखिए। अब ये कैसे होता है, ये इससे कनेक्टेड होते हैं ये जो डिस्क होती है, और ये क्या होता है ब्रेक लगाने पर इसको पकड़ लेता है। सिंपल जिससे ये गाड़ी रुक जाती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो ब्रेक डिस्टेंस है वो कम हो जाता है डिस्क ब्रेक से। ड्रम ब्रेक के बजाय बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ डबल डिस्क के बारे में, इसमें भी ये चीज़ है। ये देखिए ये पूरा डिस्क ब्रेक के लिए। अब इस ये वही चीज़ है, आपसे इसको टाइट कर देगा जिससे कि ये गाड़ी रुक जाएगी। अब देखिए इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ये देखिए। अब मैं आपको इनकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, ये गाड़ी मेरे पास 1.5 साल से, ये गाड़ी मेरे पास 7 साल से, दोनों की ब्रेक में जो ब्रेकिंग है साफ बहुत डिफरेंस है। क्योंकि इसमें एक सिंगल डिस्क है, इसमें ड्यूल डिस्क है, बहुत मतलब बहुत फ़र्क है इसमें ब्रेकिंग में। तो ये होता है ड्यूल डिस्क का फ़ायदा। इसमें भी वो सिस्टम होता है, इसका जो वायर है ना यहाँ पर कनेक्ट रहता है, जिससे कि यहाँ पर ब्रेक लगाने पर ये इसको पकड़ मतलब कि टाइट कर देगा, और ये ब्रेक जो टायर है वो रुक जाएगा। अब बात करते हैं, अगर दोनों ही जो टायर है उसमें अगर बराबर फोर्स लगे, यानी कि दोनों में बराबर जो डिस्क ब्रेक का फोर्स लगे, तो उससे क्या होगा, अगर दोनों टायर में बराबर जो फोर्स लगेगा तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा ब्रेक लगाते टाइम, और जो बाइक जो है स्लिप हो जाती है। इसलिए दोनों गाड़ियों में मतलब कि दोनों टायरों में बराबर जो फोर्स नहीं देते हैं कंपनी। ये जो डिस्क है इसका साइज़ जितना बड़ा होगा ना, उतनी ही आपकी ब्रेक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब कि आपने कई बड़ी गाड़ियों में देखा होगा इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मतलब कि उनकी ब्रेक की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ब्रेक अच्छी लगेंगे। तो ये होता है डिस्क ब्रेक का फ़ायदा। होप करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली रहता रहता हूँ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।